Hello everyone, welcome back to Dentozen. Today I am here with my new video on the topic oral lichen planus. For easy understanding, I have divided this topic into two parts, part 1 and part 2. तो आज हम part 1 पढ़ने वाले हैं. इस part में हम पढ़ने वाले हैं about the introduction, etiology, pathogenesis and clinical features of lichen planus. So let's get started. Now, the other name for lichen planus is lichen rubor planus. Sometimes it is asked in the Viva, what is other name for lichen planus? So it is lichen rubor planus. Ab ye kaisi disease hai? This is one of the chronic mucocutaneous diseases of the body. So mucocutaneous means it can affect mucosa as well as skin. Now, this disease was first described by Erasmus Wilson, a British physician, in 1869. Now, this is thought to be a precancerous condition. ऐसा सोचा जाता है कि इसमें कैंसर होने के चांसेस हाई होते हैं. So, it is considered as precancerous condition. Now, coming to the meaning of the term lichen. Lichen का मतलब है primitive plants, जो हमारे algae और fungi का association होता है, symbiotic association, जिसको हम mosses भी कहते हैं. So, this association is referred to as lichen. And planus means flat topped, जिसका सरफेस फ्लैट हो. तो इस डिजीज में जो हमें लीजन्स दिखते हैं वो कुछ ऐसे ही दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम पिक्चर में देख पा रहे हैं. दिस इज अ प्रिमिटिव प्लांट सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइकन एंड द सर्फेस ऑफ द लीजन्स इज फ्लैट. सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड लाइकन प्लानस. So, if you are asked what is the meaning of lichen planus, why this term is used, because these lesions were thought to resemble lichen growing on the rocks. क्योंकि ऐसे lichen जो associations हैं वो rocks के ऊपर देखी जाते हैं, ऐसे ही similar lesions हमें इस disease में दिखते हैं, जैसे कि यहाँ हम picture में देख पा रहे हैं. तो यहाँ पे जो हमारी क्लिनिकल डिजीज होती है, क्लिनिकल पिक्चर होती है डिजीज की, वो बिल्कुल ऐसे ही दिखती है. एंड दैट इज व्हाई द टर्म लाइकन प्लानस इज यूज. लाइकन मींस द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगाई एंड प्लानस मींस फ्लैट टॉप्ड. नाउ लेट्स सी द इटियोलॉजी ऑफ दिस डिजीज कॉजेस. अब इसका जो मेन कॉज सोचा जाता है दैट इज इम्यून मीडिएटेड. नाउ इसमें जो सेल्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, इम्यून सेल्स, दोज आर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स. अब इसमें सोचा जाता है कि जो बेसिकली हमारा ओरल एपिथीलियम है या हमारा स्किन का एपिडर्मिस है, उसके जो बेजल सेल्स हैं, जो हमारे क्यूबॉइडल शेप के सेल्स हैं, वो एंटीजेनिक एक्ट करने लगते हैं. उनके अंदर ऐसे लगता है कि कोई एंटीजन है और इस एंटीजन को हमारी बॉडी के खुद के सेल्स, जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, उनको लगता है कि ये कोई बाहर से एंटीजन आया है. तो ये जो सेल्स हैं इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं. अब ये सेल्स कैसे आते हैं यहाँ पे, इनको लेके आता है एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिसको हम बोलते हैं लैंगरहैंस सेल. सो लैंगरहैंस सेल इस एंटीजन को समझता है फॉरेन एंटीजन और बुलाता है लिम्फोसाइट को. लिम्फोसाइट आके इसकी डिस्ट्रक्शन करा देता है, जिसकी वजह से ये क्लिनिकली लीजन बन जाता है. So, it is considered as an autoimmune condition. Very, very important term. If you are asked about the etiology, so it is autoimmune. Autoimmune means हमारी body के खुद के antigens ही foreign antigens की तरह behave कर रहे हैं और हमारी body के defense cells उनको destroy कर रहे हैं. अब इसके साथ associated factors हैं. ऐसा सोचा जाता है कि कुछ families में lichen planus होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. दे हैव जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, बट देन इट इज ऑल्सो थॉट दैट इट मे बी अफेक्टेड ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स. देन सर्टेन इन्फेक्शियस एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैसिलाई, स्पायरोकीट बैक्टीरिया, कैंडिडा, फंगस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, पैपिलोमा वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, तो ऐसे ये बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी lichen planus में देखे गए हैं, बट देयर रोल इज स्टिल नॉट वेल एस्टेब्लिश्ड. Then another important factor, which is considered actually very important factor, is psychogenic factors. ऐसा देखा गया है कि lichen planus उन लोगों में होता है जो बहुत stress लेते हैं. Those who take lot of stress, nervous, highly strung. So इन लोगों में lichen planus होने के chances ज्यादा रहते हैं. So
एक क्रॉनिक डिजीज बन जाता है, दैट मींस लॉन्ग पीरियड पे चलता है। जब जब स्ट्रेस आता है तब तब लीजन्स बढ़ जाते हैं, जैसे ही स्ट्रेस जाता है लीजन्स कम हो जाते हैं। सो देयर आर रिमिशंस ऑफ द डिजीज एंड एग्जजर्बेशंस ऑफ द डिजीज। एग्जजर्बेशन मींस बढ़ जाता है, तो एग्जजर्बेशन तब होता है जब भी स्ट्रेस आएगा। देन अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज एसोसिएशन ऑफ लाइकन प्लैनस विद सिस्टेमिक डिजीजेस। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एसोसिएशन देखा गया है, पीपल हु हैव डायबिटीज मेलाइटस एंड वेस्कुलर हाइपरटेंशन एंड लाइकन प्लैनस, ये तीन चीजें जब इकट्ठे देखी जाती हैं तो इसको एक सिंड्रोम का नाम दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हम ग्रिन्सपेन सिंड्रोम। एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस, व्हाट इज ग्रिन्सपेन सिंड्रोम? सो ग्रिन्सपेन सिंड्रोम इज डायबिटीज मेलाइटस प्लस वास्कुलर हाइपरटेंशन प्लस लाइकन प्लैनस। अब इसी के साथ मिलता जुलता एक नाम है जिसको हम बोलते हैं ग्रीनस्पेन लीजन। ग्रीनस्पेन लीजन, नाउ दिस लीजन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ग्रीनस्पेन सिंड्रोम। ये एक हमारा ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया का अदर नेम है जो कि एप्स्टीन बार वायरस कॉज करता है। सो वाइवा में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है व्हाट इज ग्रिन्सपेन सिंड्रोम एंड व्हाट इज ग्रिन्सपेन लीजन। सो ग्रिन्सपेन सिंड्रोम इज सिंड्रोम ऑफ डायबिटीज मेलाइटस हाइपरटेंशन एंड लाइकन प्लैनस, वेयर एज ग्रिन्सपेन लीजन इज अदर नेम फॉर ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया। ओके, नाउ अदर सिस्टमिक डिजीजेस व्हिच कैन बी सीन इन एसोसिएशन विद लाइकन प्लैनस आर अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड हेपेटाइटिस सी वायरस। देन सर्टेन हैबिट्स, जो लोग टोबैको च्यूइंग या बीटल च्यूइंग करते हैं उनमें भी लाइकन प्लैनस देखा गया है। इवन स्मोकिंग कैन ऑल्सो इनिशिएट द लीजन्स ऑफ लाइकन प्लैनस। देन सर्टेन विटामिन डेफिशियंसीज लाइक डेफिशियंसी ऑफ विटामिन B1, B6 एंड विटामिन सी हैव बीन सेड टू बी एसोसिएटेड विद लीजन्स ऑफ लाइकन प्लैनस। देन अदर एटियोलॉजिकल फैक्टर्स कैन बी अल्ट्रावायलेट रेज, अदर ऑटोइम्यून डिजीजेस एंड ट्रॉमा। समटाइम्स ट्रॉमा इन द can also cause the development of lichen planus lesions. Now we come to the clinical features of the disease. Now this is a disease of adulthood, that you have to remember. Adults mein hota hai, especially more than 40 years of age. बट ऐसा नहीं कि ये यंग चिल्ड्रन में नहीं हो सकता या यंग एडल्ट्स में नहीं हो सकता, हो सकता है, बट मोस्ट कॉमनली इट अकर्स इन एडल्टहुड एंड दैट टू 35 टू 40 इयर्स इन मेल्स एंड 45 टू 54 इयर्स इन फीमेल्स। फीमेल्स में होने के चांसेस ज्यादा है विद द रेशियो ऑफ 1.4:1 एज गिवन बाय शेफर और रेशियो ऑफ 3:2 एज पर अदर टेक्स्ट। अब इसकी प्रेवलेंस जो है वर्ल्ड वाइड 0.5 to 1% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय लाइकन प्लैनस। उसमें से भी जो 50% पेशेंट्स हैं उनमें स्किन और ओरल लीजन्स दोनों होते हैं। नाउ स्किन पे कौन सी साइट्स इन्वॉल्व होती हैं? दैट इज अनदर वाइवा क्वेश्चन, विच साइट ऑफ द स्किन इज अफेक्टेड? सो इट अफेक्ट्स द फ्लेक्सर सर्फेसिस ऑफ द रिस्ट एंड द फोरआर्म्स एंड इनर एस्पेक्ट्स ऑफ नीज एंड थाइज एंड ट्रंक। Along with that, 10% of the cases may also show nail involvement. Nails भी involve हो सकते हैं। अब इससे associated एक syndrome पूछा जाता है, vaginogingival syndrome. What is vaginogingival syndrome? अब as per the term, यहाँ पे vagina और gingiva, ये दोनों areas की involvement होती है। So oral lesions coexisting with genital mucosal lesions is called vaginogingival syndrome. अदर म्यूकोजल सर्फेसिस कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड। हमारा माउथ तो अफेक्ट हो ही सकता है, स्किन हो सकता है, नेल्स हो सकते हैं, वेजाइना हो सकता है, और भी जितने हमारे म्यूकोजल सर्फेसिस हैं, लेरिंग्स है, ग्लैंड स्पिनस है, इसोफेगस है, स्टमक, नेजल वल्वा, ऑल दीज म्यूकोजल सर्फेसिस मे ऑल्सो शो द लीजन्स ऑफ द लाइकन प्लैनस। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डिजीज। अब ये लीजन की जो हम बात कर रहे हैं ये दिखता कैसा है? नाउ दिस लीजन इज कैरेक्टराइज बाय 5P, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट आर दिस 5P? 5P हियर रेफर्स टू, फर्स्ट इज पेप्यूल्स। जो क्लिनिकली इसका लीजन है वो स्लाइटली एलिवेटेड लीजन है जिसको हम बोलते हैं पेप्यूल, स्किन के सर्फेस के ऊपर एलिवेटेड। अब ये जो पेप्यूल होता है ये पर्पल कलर का होता है
एंगुलेटेड होता है, पॉलीएंग पॉलीगोनल शेप का होता है, प्लैनर होता है, फ्लैट होता है, और प्रूरिटिक, प्रूरिटिक मीन्स सीवियर इचिंग होती है. सो दोज आर द 5 P ऑफ लाइकेन प्लैनर्स, प्रूरिटिक, प्लैनर, पॉलीगोनल, पर्पल पेप्यूल्स. तो कभी कभी ये पेप्यूल्स हमारे कोलिसाइज कर जाते हैं और प्लाक्स भी बनाते हैं, तो कभी कभी इसको हम 6P भी ऐड कर देते हैं. सो 6P वुड बी प्लाक. नाउ लेट्स सी द लीजन. अब ये जो लीजन होता है ये बेसिकली हमारा स्मॉल एंगुलर फ्लैट टॉप पेप्यूल है जिसका साइज फ्यू मिलीमीटर्स होता है, 2 to 10 millimeters. अब इसका जो कलर है पेप्यूल का, इनिशियली रेडिश कलर का होता है, विद टाइम ये वायलेशियस ह्यू ले लेता है, वायलेशियस टू पर्पल कलर का हो जाता है, और टाइम के बाद ये हमारा डर्टी ब्राउन कलर का हो जाता है. सो इसका कलर हमारा चेंज हो जाता है, और इसके अराउंड जो स्किन होती है वो थोड़ी सी रेड कलर की दिखती है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं. इन पेप्यूल्स के अराउंड जो स्किन होती है वो, स्किन का एरिया जो होता है वो रेड कलर का होता है, और जब ये पेप्यूल्स हमारे मर्ज कर जाते हैं तो ये प्लाक लाइक एरियाज बनाते हैं. नाउ हियर इज द पिक्चर वेयर वी कैन सी दीज पेप्यूल्स. दीज आर द पेप्यूल्स, स्लाइटली एलिवेटेड फ्लैट टॉप लीजन्स ऑन द हैंड्स. अब इन पेप्यूल्स के ऊपर हमारे व्हाइट कलर की लाइंस होती हैं. यहाँ व्हाइट कलर से मैं नहीं बना पा रही हूँ, रेड कलर से शो कर रही हूँ, बट दीज व्हाइट लाइंस, क्रिस क्रॉस लाइंस कैन बी सीन ओवर द सर्फेस ऑफ दीज पेप्यूल्स. दीज आर कॉल्ड विकम स्ट्राय. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, वॉट इज द क्लिनिकल लीजन दैट हैव स्ट्राय इन द लाइकेन प्लैनर्स नोन एज. सो इट इज विकम स्ट्राय. अब यहाँ पे ये लाइंस हमारी क्रिस क्रॉस करती हैं, वहां पे एक हमारा एलिवेटेड डॉट भी दिख सकता है व्हाइट कलर का. सो अ व्हाइट टाइनी डॉट मे बी सीन ओवर द इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस. और हिस्टोलॉजिकली ये व्हाइट लाइंस वो एरियाज हैं जहां पे हमारा एपिडर्मिस थिक हो गया है, जहां पे हमारे एपिथेलियल सेल्स बढ़ गए हैं, वो हम हिस्टोपैथ में देखेंगे. Now there comes another term associated with this, which is called Koebner's phenomena. Koebner's phenomena refers to the lesions which develop in the sites of trauma. अगर किसी को lichen planus है और उसकी skin पे trauma हो जाए या वो scratch कर ले normal skin पे और वहाँ पे lichen planus का lesion develop हो जाए, then that is called Koebner's phenomena. So fresh lesions appearing at the sites of trauma is called Koebner's phenomena. Now there comes another term which is called Graham-Little syndrome. अब जो हमारा स्कल का लाइकन प्लानस होता है उसके साथ साथ कभी कभी एलोपेशिया हो जाता है, दैट इज हेयर लॉस अलॉन्ग विद द चेंजेस इन द नेल्स. हमारे नेल्स के ऊपर रिजिंग हो सकती है, ग्रूव्स बन सकते हैं. सो दीज थ्री एसोसिएटेड सिम्टम्स, दैट इज नेल चेंजेस, एलोपेशिया एंड फॉलिकुलर लाइकन प्लानर्स टूगेदर इज नोन एज ग्राहम लिटल सिंड्रोम. सो लाइकन प्लानर्स से एसोसिएटेड दो सिंड्रोम हम पढ़ चुके हैं, पहले हमने पढ़ा ग्रिन्सबन सिंड्रोम, सेकेंड सिंड्रोम हमने पढ़ा ग्राहम लिटल सिंड्रोम. इसको हम लाइकन प्लानर्स प्लानोपिलारिस भी बोलते हैं. नेक्स्ट वी कम टू द क्लिनिकल पैटर्न. नाउ देयर आर 8 पैटर्न ऑफ द दिस लाइकन प्लानस. 8 तरीके से ये प्रेजेंट कर सकता है. मोस्ट कॉमन इज रेटिकुलर, जहां पे हमें स्ट्राय दिखते हैं. देन पेप्यूल्स, जहां पे हमें एलिवेटेड स्मॉल व्हाइट पेप्यूल्स दिखते हैं. हाइपर केराटोटिक, जहां पे ये पेप्यूल्स फ्यूज करके प्लाक लाइक एरियाज बना देते हैं. एट्रोफिक, जहां पे एपिथेलियम की थिकनेस कम हो जाती है, तो ये क्लिनिकली हमें रेड एरियाज दिखते हैं. इरोजिव, सुपरफिशियल अल्सर बन जाता है, पीछे हमारे लाइंस रहती हैं, रेटिकुलर लाइंस रहती है, और ऊपर हमारा सुपरफिशियल इरोजन या अल्सर हो जाता है. बुल्लस, जहां पे हमारा फ्लूइड फील्ड एलिवेटेड लीजन हो, उसके अंदर फ्लूइड भर जाए. देन लीनियर टाइप, जहां पे हमें स्ट्रेट लाइंस जैसे दिखते हैं. एंड एनुलर, जिसपे हमें राउंड कलर के लीजन दिखते हैं, डिस्क्रीट लीजन विच इज यूजली सीन ऑन द टंग. सो दीज आर द 8 पैटर्न. Now we come to the oral lichen planus clinical features. The most common site is buccal mucosa. Very very important viva question. Mouth mein lichen planus sabse pehle kahan hota hai? Buccal mucosa mein. Tongue mein ho sakta hai, lips mein, gingiva mein, floor of the mouth and palate. Now there are 6 types of lichen planus in the mouth. Reticular, papular, plaque like, erosive, atrophic, bullous. Jo first 3 types hain wo hamare white dikhte hain. और वो पेनलेस होते हैं, सिम्टम्स नहीं होते. और जो नीचे की 3 टाइप्स हैं उनमें सीवियर पेन हो सकता है और बर्निंग सेंसेशन हो सकता है.
देन मोस्ट कॉमन पैटर्न दैट इज इंपॉर्टेंट फाइव का क्वेश्चन, रेटिकुलर पैटर्न जिसकी हम अभी बात कर चुके हैं, जो कि हमारा यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है. सो स्लाइटली एलिवेटेड वाइड लाइंस रेडिएटिंग फाइन वाइट लाइंस वेलवेटी लाइंस इन अ लेस लाइक पैटर्न इज कॉल्ड रेटिकुलर पैटर्न. एलिवेटेड रेडिएटिंग फाइन व्हाइट और ग्रे वेलवेटी थ्रेड लाइक लाइंस इन लेस लाइक पैटर्न. ये पैचेस भी बना सकते हैं, रिंग्स भी बना सकते हैं या स्ट्रीक्स भी बना सकते हैं. सो मोस्ट कॉमन साइट इज बकल म्यूगोजा, मोस्ट कॉमन पैटर्न इज रेटिकुलर पैटर्न. नाउ वी कम टू द थ्री टाइप्स. रेटिकुलर टाइप मोस्ट कॉमनली ऑन बकल म्यूगोजा, एलिवेटेड फाइन व्हाइट लाइंस, टाइनी व्हाइट डॉटेड इंटरसेक्शन. पैपुलर में हमारे एलिवेटेड पेप्यूल्स होते हैं, ये हमारा केराटिनाइज म्यूकोजा में दिखता है. और बहुत सारे पेप्यूल्स हमारे पेबल्ड सरफेस अपियरेंस दे सकते हैं, छोटे छोटे पेबल्स की तरह. और ये जब कॉयलसाइज हो जाते हैं तो ये हमारा प्लाक बना सकते हैं. अब प्लाक वाला जो है वो हमारे टंग के ऊपर दिखता है, डॉर्सल सर्फेस ऑफ द टंग, और उसकी वजह से हमारे जो टंग के पैपिले होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं एंड इट स्प्रेड्स इन कंसेंट्रिक ग्रोथ पैटर्न. तो इसकी जो अपियरेंस है वो होती है पर्ली व्हाइट और ग्रेश व्हाइट, स्लाइटली एलिवेटेड और स्मूथ और इरेगुलर प्लाक्स. देन वी कम एट्रोफिक टाइप. एट्रोफिक टाइप आर स्मूथ रेड पोअरली डिफाइंड एरियाज, बट दे आर नॉट ऑलवेज एज एविडेंट विद पेरिफेरल स्ट्राइप. दे आर सिम्टोमैटिक विद पेन एंड बर्निंग. अब इससे एसोसिएटेड एक टर्म आती है डिस्कोमेटिव जिंजिवाइटिस. डिस्कोमेटिव जिंजिवाइटिस पहले सोचा जाता था कि एक प्रेजेंटेशन है जिसमें रेड डिफ्यूज जिंजाइवा दिखता है पोस्ट मेनोपोजल वुमेन में, बट बाद में देखा गया कि ये बहुत सारी डिजीज में दिखती है. सो नाउ इट इज कंसिडर्ड अ सेपरेट एंटिटी. सो रेड डिफ्यूज पेनफुल कंडीशन ऑफ द जिंजाइवा मोस्ट कॉमनली सीन ऑन अटैच जिंजाइवा एंड इट शोज पैची डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल द फोर क्वाड्रेंट्स इन सिमेट्रिकल पैटर्न. सो इट इज सीन इन एसोसिएशन विद मेनी डर्मेटोलॉजिकल डिजीजेस एंड वन सच डिजीज इज ओरल लाइकन प्लानस, जहां पे हमें डिस्कोमेटिव जिंजिवाइटिस दिख सकता है. सो इट इज रेड डिफ्यूज पेनफुल कंडीशन ऑफ द जिंजाइवा. नेक्स्ट वी कम टू द बुलस टाइप. दिस इज नॉट कॉमन इन ओरल कैविटी में नहीं दिखता, अगर बनेगा भी तो वो रप्चर हो जाएंगे और अल्सर्स बना देंगे. देन हाइपरट्रॉफिक टाइप एक ऐसी टाइप है जहां पे ये लाइकन प्लानस के लीजन ल्यूकोप्लेकिया जैसे दिख सकते हैं, जो कि एक अदर प्री मेलिग्नेंट लीजन है. सो ऐसे केसेस में जहां पे बहुत सारे बड़े बड़े प्लाक लाइक या हाइपरट्रॉफिक एरियाज हमें दिखे, वहां पे बायोप्सी बिकम्स नेसेसरी टू एस्टेब्लिश द डायग्नोसिस. नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज पैथोजेनेसिस ऑफ लाइकन प्लानस. अब ये कभी कभी अलग से भी पूछा जाता है. बेसिकली ये इम्यून मीडिएटेड डिजीज है जिसमें बेजल सेल डीजनरेशन हो रहा है, बेजल सेल्स टूट रहे हैं. इसमें बहुत सारे सेल्स का रोल है, बट मेन हमारे जो सेल्स हम पढ़ेंगे दीज आर लैंगरहैंस सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स. अब ये जो टी सेल्स आ रहे हैं जो किल करते हैं, वो हेल्पर टी सेल्स भी हो सकते हैं और डिस्ट्रॉयर टी सेल्स भी हो सकते हैं. सो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हमारे बेजल सेल्स को एंटीजेनिक समझते हैं और वहां पे वो लिम्फोसाइट को ले आते हैं और ये लिम्फोसाइट इनको डिस्ट्रॉय कर देता है. तो इस डिजीज में हमारे पास तीन चीजें हैं, तीन तरह के हमारे इसके कैरेक्टर्स है. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल लैंगरहैंस सेल, जो कि हमारा आइडेंटिफाई करता है विलन को. Lymphocytes are the hero which are going to destroy the effector cells and keratocyte is the basically villain, target cell जिसको मारा जा रहा है यहाँ पे. Macrophages भी आते हैं, वो help करते हैं lymphocytes की. Now इसकी pathogenesis Regsy में describe की गई है 1978 में. इसके according antigenic stimulation होता है, ये antigen बाहर से भी आ सकता है या अंदर से हो सकता है, exogenous, endogenous. इस antigen को identify करते हैं Langerhans cells, जिनको हम antigen presenting cells बोलते हैं. तो इस antigen को identify करने के बाद जो हमारे नीचे connective tissue की blood vessels हैं, उसमें कुछ molecules, हमारे adhesion molecules का amount बढ़ जाता है और इसको मॉलिक्यूल्स को अटैच करके ये जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं ये बाहर आ जाते हैं और बिल्कुल ये एपिथीलियम के नीचे आके रुक जाते हैं. सो लैंगरहैंस सेल्स इंक्रीज, एडिशन मॉलिक्यूल्स आर अपरेगुलेटेड, जिसकी वजह से लिम्फोसाइट्स हमारे सब म्यूकोजा में आके बैठ गए. अब इस लिम्फोसाइट्स के आने से जो बेजल केराटिनोसाइट्स हैं, ये वाले सेल्स जो हमारे बेजल एपिथेलियल सेल्स हैं, इनके ऊपर भी ये मॉलिक्यूल एक्सप्रेस हो जाता है और इसके थ्रू लिम्फोसाइट्स इनसे अटैच हो जाते हैं. सो लिम्फोसाइट्स गेट अटैच टू दीज बेजल केराटिनोसाइट्स एंड दीज बेजल केराटिनोसाइट्स देन अंडरगो एपोप्टोसिस और ये बेजल सेल्स मर जाते हैं थ्रू प्रोग्राम्ड सेल डेथ.
और इसकी वजह से बेसमेंट मेम्ब्रेन जुड़ जाता है, एडिशन हो जाता है, सो हमारे ऊपर के सेल्स शेड नहीं हो पाते हैं, तो बहुत सारा केराटिन बढ़ जाता है, सो हाइपर केराटोसिस इज सीन बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड डीस्क्वामेशन, सेल्स नहीं निकल रहे हैं। थिकन्ड एपिथेलियल सरफेस हैज आल्सो बीन सेड टू बी बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द गामा इंटरफेरॉन्स। ये गामा इंटरफेरॉन्स रिलीज किए जाते हैं टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू, और ये इंटरफेरॉन्स हमारे बेसल सेल्स को बोलते हैं HLA-DR एक्सप्रेस करने के लिए। तो ऐसा सोचा जाता है कि जो लिम्फोसाइट है, CD84 सेल है हमारा, CD84 सेल है ये हमारा बेसल केराटिनोसाइट सेल, जो हमारा एपिथेलियल सेल है उसके साथ एक रिसेप्टर को आइडेंटिफाई करता है MHC class 1, और उसके थ्रू ये बाइंड कर जाता है और इसकी डीजनरेशन हो जाती है। सो HLA-DR इज म्यूचुअली एक्सप्रेस्ड, ये वाला जो हमारा एंटीजन है ये दोनों पे एक्सप्रेस होता है, बेसल सेल पे भी और लैंगरहैंस सेल पे भी, और इसके थ्रू ही ये लैंगरहैंस सेल बेसल सेल से अटैक। नाउ लेटेस्ट कॉन्सेप्ट इज That genetically predisposed individual, जिसमें होने के चांसेस ज्यादा हैं, उसमें कोई एंटीजन आता है बाहर से या अंदर से। अगर बाहर से आ रहा है एंटीजन तो वो ड्रग हो सकता है, माइक्रोबियल एंटीजन हो सकता है, और ये एंटीजन हमारे बेसल केराटिनोसाइट के एंटीजन के साथ इंटरफेयर करते हैं और वो एक्सप्रेस करते हैं हीट शॉक प्रोटीन 60C110, जो हमारा बेसल एपिथीलियल सेल है उसके अंदर के प्रोटीन अनमास्क हो जाते हैं, दिखने लग जाते हैं, और उसको पकड़ लेता है हमारा लैंगरहैंस सेल और फिर बुलाता है लिम्फोसाइट को, और लिम्फोसाइट आके वहां पे डिस्ट्रक्शन कर देता है बेसल सेल की, और ये बेसल सेल टूट जाता है। सो बेसिकली जब एंटीजन बाहर से आ रहा है, कोई ड्रग है या कोई बैक्टीरिया है या कोई रेस्टोरेटिव मटेरियल है या टूथपेस्ट है, उसको हम बोलते हैं लाइकेनॉइड ड्रग रिएक्शन। इसके लिए एक और टर्म भी यूज की जाती है, ओरल लाइकेनॉइड लीजन। वो सिस्टमिक ड्रग्स जो हमारे लाइकेन प्लैनस जैसे लीजन्स बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ओरल लाइकेनॉइड लीजन। अब ये ड्रग्स हो सकती है एनएसएस, सल्फोनाइल यूरियाज, एंटी मलेरियल ड्रग्स, बीटा ब्लॉकर्स एंड एस इनहिबिटर्स। अब कभी कभी एक टर्म यूज की जाती है इडियोपैथिक लाइकन प्लानस। इडियोपैथिक लाइकन प्लानस क्या हुआ, लाइकेनॉइड ड्रग रिएक्शन और ओरल लाइकेनॉइड लीजन तो हो गए। अब इडियोपैथिक लाइकन प्लानस वो है जहां पे हमें कोई भी एंटीजन नहीं मिल पाता, कॉज इज अननोन। So that is all about the pathogenesis of lichen planus and end of the video 1, part 1 of lichen planus. So if you like my video, please subscribe my channel, share the link, give your comments in the comment box, and keep learning, keep growing. See you in the next video. Bye-bye.